हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं मम्मी के साथ आ गया हूँ शॉपिंग। और तुम मेरे पीछे देख रहे हो कौन सी कंपनी की शॉपिंग हो रही है। और तुम्हें मैं दिखाऊंगा, मैं जूते लेने आया हूँ और अपने जैकेट। मम्मी परी के लिए भी, परी का बर्थडे उसके लिए भी सामान ले रही है। तो हम बहुत सारी शॉपिंग करने आए हैं, फिर अब मोती नगर जाने हैं। मम्मी और मैं शॉपिंग पर निकले हैं आज बहुत टाइम बाद, तो तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या क्या ले रहे हैं। और शुरू करते हैं, दिखा रहा हूँ तुम्हें क्या क्या ले रहा हूँ। भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया कि मेरे साइज़ की जैकेट जो हम लेने आए थे वो मिली नहीं है, और मम्मी की साइज़ की मिल गई। हाँ जी मम्मी बोलो, रुको आओ इधर आओ, व्लॉग में बताओ छोटी लग रही है या बड़ी। मम्मी को जैकेट पसंद आ गई है और नहीं अच्छी लग रही है एक्चुअली। अच्छी ए, रईस लग रहे हो। मम्मी तो रईस है मेरी वैसे एक्चुअली। मैं जूते ले दिए मेरे को बहुत महंगे 1 करोड़ रुपये के। थैंक यू मम्मी ने भी करा दी 26-27 करोड़ की शॉपिंग। और अब हम जा रहे हैं मम्मी का कुछ काम वाम करने, बहुत ही मज़ा मम्मी का। और मम्मी के ऑफिस आपका ही ऑफिस है ना, मम्मी के ऑफिस का कुछ काम वाम करने जा रहे हैं मोती नगर। वो तो मैं देखना है, चलो दिखा देता हूँ। कुछ खाने का मन करा तो वहाँ से कुछ खा भी नहीं, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। लाइटिंग जिम भी जाना है, जिम भी दिखाऊंगा। तो भाई अब मैं घर वापस आ गया था और ये देखो मेरी शॉपिंग। बाकी मम्मी और परी की शॉपिंग बाहर है, सिर्फ मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखा रहा हूँ। ये जैकेट जो तुमने पीछे देखी, ये तुम्हारा भाई लेकर आया पफर जैकेट, एकदम मस्त, जो रह गई थी अभी पीछे हॉस्पिटल में लानी। मेन चीज़ अनबॉक्सिंग ऑफ माई न्यू शूज़, जो मेरे को बहुत सही लगे। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे जूते मिल जाने चाहिए। बट 3, 2, 1 ये देखो भाई, नए जूते तुम्हारे भाई के, बहुत सुंदर, थोड़े से रंग बिरंगे, ज़्यादा रंग बिरंगे, नीचे से गंदे हो गए अभी से क्योंकि पहन लिया था वहाँ पे। और ये हमको थोड़े से पड़े हैं, थोड़े थोड़े रुपीज़ के। और इनका नाम मैं भूल गया हूँ क्या था, बिल में देख के बताऊँगा। सामने बड़ा प्यारा नाइकी लिखा हुआ है। बास्केटबॉल शूज़ हैं, बट मतलब मैं डेली वेयर में यही पहनता हूँ, मेरे को ज़्यादा कम्फर्टेबल हाई वाले जूते लगते हैं। तो ये रहे जूते, मज़ा आ गया। अब हम निकल रहे जिम की तरफ, और जिम में लोग होने वाले हैं सरप्राइज़, क्योंकि तुम्हारा भाई 2 महीने बाद जिम वापस जाने वाला है और धप्पा हो जाएंगे लोग सारे जिनको पता नहीं मैं आने वाला हूँ। तो वहाँ पे लोगों के रिएक्शन देखते हैं, लेट्स गो। क्या कह रहे हो? नहीं भाई मैं वर्कआउट भी कर लिया कर भाई, यही बोलना। मेरी हालत दिखा दे भाई, कैसा लगा 1.5 महीने बाद जिम करके? 1.5 महीने बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुमको कैसा लगा मेरे को देख के ये बताओ। भाई वर्कआउट किसने कराया तुमसे? हां वर्कआउट सागर जी ने कराया, मेरे को पता नहीं मेरा हाथ सुबह उठेगा या नहीं। ट्रेनर भैया प्रमोशन बताओ, आखिरी बार तो नहीं आऊंगा ना, कल भी आऊंगा ना मैं। हाँ आना चाहिए, कल भी आना चाहिए, कल भी आना चाहिए और रेगुलर हो जितना हो सकते हो। बिल्कुल भाई। तो हम लोगों ने वर्कआउट फिनिश कर लिया और मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने वर्कआउट में क्या क्या किया है। बेसिकली आज हमारा मिक्स, अब हमारा मिक्स चलना है 2-3 हफ्ते पूरे। तो मैंने आज किया है चेस्ट, बैक और शोल्डर्स। और ये हम लोग करके जब बाहर निकले, सागर भैया हमको मिलेगा। सागर भैया के बारे में तो मैं तो बता देता हूँ कि मैं उनसे ट्रेनिंग लेने वाला हूँ अब, और डाइट भी वो मेरे को देने वाले हैं। सागर भैया का ये इंस्टाग्राम का ये आ रहा है नीचे, इसको उन पर जाके तुम उनसे बात कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी वो देते हैं और डाइट वगैरह, मतलब काफ़ी हमारे काफ़ी सर्टिफाइड है वो और काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं, और उनसे तुम हेल्प ले सकते हो। बाकी बस आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। तुमने लोगों का रिएक्शन देखा कि मैं बहुत दिनों बाद आ जाया हूँ, तो थोड़े मजे ले रहे थे। जो मेरे दोनों और दोस्त हैं क्यूटीज़, राजवीर रणवीर, वो दोनों आ जाए नहीं हुए थे।
तो उनका थोड़ा सा रिएक्शन रह गया। बाकी आरुष और दूसरे भाई का नाम मैं भूल गया, उसका उनका रिएक्शन तुमने देखा। बाकी अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, और वीडियो को यहीं तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। यार मैंने ना व्लॉग बंद कर दिया था, पर मेरे को पता नहीं था आज का दिन ऐसा जाने वाला है। आज के दिन अभी इंडिया अफगानिस्तान का तीसरा T20 चल रहा है और सुपर ओवर अब ड्रॉ हो चुका है। मेरे को लगा कि चलो ठीक है सुपर ओवर चला गया, खत्म हो जाएगा मैच अब तो, बट अब सुपर ओवर ड्रॉ हो चुका है और यहाँ एक बीटी हो गई है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग वापस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सुपर ओवर में बैटिंग कर लिया और रोहित शर्मा का एक गॉड मूव था बट वो खराब हो गया। अफगानिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम अफगानिस्तान, बट दे आर रियली प्लेइंग वेरी वेल। और अब मैच बहुत गंदा बस चुका है, सेकेंड सुपर ओवर में लाइफ में पहली बार दो सुपर ओवर होते हुए देखने वाला, लेट्स गो। के मैं थोड़ा सा वो था कि रूल में आकाश चोपड़ा गलत बता रहा था, बेवकूफ़ आदमी। हमारे बैट्समैन वापस आ सकते हैं, बॉलर रिपीट नहीं कर सकते आप अपना, तो रोहित शर्मा और रिंकू सिंह गए हैं ओपन करने के लिए, मतलब एक छः बॉलों के लिए, और बॉलर इनका कुछ इमाद है शायद, मेरे को नाम नहीं पता, बट अफगानिस्तान का मीडियम पेसर डाल रहा है बॉल। अगली बॉल रोहित शर्मा ने मार दिया 6 रन, अगली बॉल चौका। रिंकू सिंह शायद आउट हो गया यार, अब DRS ले लिया, वन मेरे को भी आवाज तो आई थी यहाँ तक, वहाँ से आवाज आई है यहाँ तक तो शायद आउट। कम ऑन यार, एक सुपर ओवर अगर और हो गया ना मैं टीवी बंद कर दूंगा और मेरा फोन वैसे ही बंद हो जाएगा, बैटरी बची नहीं है भाई। 5 बॉलों में सुपर ओवर हमारा खत्म हो गया क्योंकि लॉर्ड रिंकू आउट हो गए, फिर संजू से अच्छा तो मैं कर लूँ बैटिंग, नहीं जस्ट किडिंग भाई, बट क्या यार संजू भाई यार एक बैट ही लगा देता बॉल को यार, रन आउट करा दिया और ऊपर से रोहित भाई को। गुरबाज की भी कीपिंग ऐसी सही हो गई है जैसे रोज यही कर रहा है बैठ के, बट ओके अब हम इनकी बैटिंग देते, 12 रन तो मुश्किल नहीं है, बट लेट्स सी भाई, इंडिया जीतनी चाहिए वाला मैच प्लीज। सरप्राइज सरप्राइज, वी हैव रवि बिश्नोई इन द हाउस। आवेश खान को ओवर नहीं मिल रहा है और स्ट्राइक पता नहीं कौन लेने वाला है, बट रवि बिश्नोई को ओवर दे दिया है सुपर ओवर का डालने के लिए। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, बट मीडियम पेसर अच्छे हैं नहीं हमारे पास, मतलब ज़्यादा इस बार आवेश खान ने बहुत रन खाए, 3 ओवर में 50 रन खा गया है, तो आवेश खान का मुश्किल ही लग रहा था। रवि बिश्नोई इज़ अ बेटर ऑप्शन मेरे ओपिनियन में भी, नहीं तो मैं कुलदीप यादव का भी फैन हूँ, कुलदीप यादव भी डालता तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, बट ओह शिट मोहम्मद नबी ने ट्राई कर लिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहली बॉल पे विकेट मोहम्मद नबी, रवि बिश्नोई, जय श्री राम भाई, मजा आ गया। एक विकेट बची है अफगानिस्तान की, जन्नत करीम स्ट्राइक पे है, करीम जन्नत छोड़ेगा, बट एक विकेट और आती है हम जीत जाएंगे मैच, या अगर ये लोग 11 रन मार देंगे तो वापस ड्रॉ हो जाएगा और एक और सुपर ओवर, मेरी टोपी हिले जा रही है, एक और सुपर ओवर देखने का मेरा मन था, एक और सुपर ओवर देखने का, लालची हो गया हूँ। पहली बॉल डॉट डॉट, दो बॉल सिंगल दो बॉल में 1 रन और 1 विकेट, लेट्स गो, वेरी गुड रवि बिश्नोई, वेरी गुड ऑप्शन। गुरबाज भी आउट हो गया मिड ऑफ पे कैच, लॉन्ग ऑफ पे, और रवि बिश्नोई 3 बॉल में मैच खत्म कर दिया, वेल डन, दिस वॉज अ ग्रेट मैच। और अब मैं ब्लॉग को फाइनली खत्म कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।